शिक्षा क्रांति लाएंगे हम, आगे बढ़ते जाएंगे, ज्योति जगा कर ज्ञान की हम सबको राह दिखाएंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पेज नंबर 17 करेंगे, और जो पेज नंबर 17 है वो हमने अब तक तीन जो लेसन किए हैं उनकी दोहराई है। पेज नंबर 16 जो हमने पिछली वीडियो में किया था, और आज हम कर रहे हैं पेज नंबर 17। तो अगर ये आप आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल शिक्षा क्रांति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाना ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं पेज नंबर 17। तो पेज नंबर 17 में पार्ट नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखें, कि नीचे जो पंक्तियां हैं ये हमें पद्य में लिख दी हुई है। पद्य का मैंने पिछली वीडियो में बताया कि पद्य क्या होता है, कविता, कविता में दी हुई है, इसको हमें गद्य में लिखना है। गद्य का मतलब हमें जैसे इसमें क्या है, तुकबंदी है, उसमें कोई तुकबंदी नहीं होगी, इसका सरल अर्थ करके लिखना है। झील किनारे नाव लगी थी, एक लगा था बांस, चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस। कहता है कि झील किनारे नाव लगी थी, तो इसका अर्थ क्या होएगा, सरल अर्थ। सबसे पहले हम प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 3 शेर और चित्रकार से ली गई है। फिर हम उसका अर्थ लिखते हैं, तो यहाँ पे केवल अर्थ लिखना है। तो अर्थ में क्या कहेंगे कि झील के किनारे एक नाव खड़ी थी, कि जहाँ चित्रकार चित्र बना रहा था, उस झील के किनारे एक नाव थी, एक नाव खड़ी थी, उसमें एक लंबा बांस था, उसमें एक लंबा बांस लगा हुआ था। चित्रकार ने नाव पकड़ ली जी भर करके सांस, कि चित्रकार ने जैसे उसने शेर जैसे ही शेर ने मुंह उधर किया, उसी समय चित्रकार जल्दी के मारे लंबा सा सांस खींच के और नाव पकड़ ली। जैसे ही शेर ने पीछे मुंह किया, चित्रकार ने भागकर नाव में चढ़ गया। नाव पकड़ ली का मतलब नाव के अंदर चढ़ गया जी भर करके सांस, यानी कि भाग करके वह नाव में चढ़ गया। जी भर करके सांस यानी कि सांस खींचने का मतलब क्या है, लंबा सांस खींचने का मतलब वो भाग कर नाव में चढ़ गया। प्रश्न नंबर 6 पार्ट नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। तो किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है, किसान अनाज उगाकर, अनाज पैदा करके, हमने कविता की थी ना पहले पहले, जय जवान जय किसान, अनाज पैदा करके
देश के लिए योगदान देता है। बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं, हमने बड़ा पाठ किया था दूसरा, उसको हम स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं, बड़े के अंदर क्या क्या चीज़ याद है ना आपको, आपने वीडियो देखी होगी, पाठ भी पढ़ा होगा। तो बड़े के अंदर हम क्या क्या मिलाते हैं, किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ, ये सारी चीज़ें मिला करके हम बड़े को स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो बड़े को स्वादिष्ट कैसे बना सकते हैं, उसमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियां मिलाकर स्वादिष्ट बना सकते हैं। चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या उपाय किया, क्या उपाय किया था उसने, उसने शेर से कहा कि आप पीछे मुंह करके बैठ जाइए। उसने याद है ना आपको, उसने शेर से क्या कहा था कि आप पीछे मुंह करके बैठ जाइए। उसने शेर से कहा कि आप अपना मुंह पीछे करके बैठ जाइए। जब उसे लगा कि शेर तो तेरे को खाएगा, तो उसने चाल चली और शेर को कहा कि मैंने आगे का भाग आप बना दिया है, अब आप पीछे मुंह करके बैठ जाइए। और जैसे ही शेर पीछे मुंह करके बैठा, चित्रकार धीरे से वहाँ से निकल लिया। उसने नाव पकड़ ली, और कैसे नाव पकड़ी, उसने लंबा सांस खींचा यानी कि भागकर नाव पकड़ ली और दूर निकल गया। तो इस प्रकार उसने अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, आज की वीडियो आपको ये कैसी लगी, जो हमने आज किया है वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इन सभी को पहले अपनी बुक में करना है, और जिसके पास बुक नहीं है वो इसको कॉपी पे करेंगे, और अपने टीचर के साथ ज़रूर शेयर करना है। थैंक यू।